का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम कर जाती है। हो हो अपनों के नाम कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। केस की सुनवाई को सिर्फ दो दिन बचे और मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि अभिषेक ने ही शास्त्री जी को मारा है। क्या बात है भाई, पापा के घर गई तो अपने पति को भूल ही गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप बच्चों के लिए पैसे इसलिए कमाते हैं कि वो बच्चों को एक जीने के लिए अच्छा जीवन दे। भी वक्त है, संभल जाओ मल्लिका। तो आपने क्या सोचा है पापा, मैं तृष्णा को यहाँ से वापस ले जाऊँ या? मैं जानता हूँ पापा कि आपको आपकी बेटियों से बहुत प्यार है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे अपनी कामयाबी से प्यार। तुम्हारा सेल पे जो सीना की रिकॉर्डिंग है ना, उसे मैडम वकील साहब को दोबारा दिखाना चाहती है। तुम तुरंत मैडम के पास पहुंचो। हाँ मैं मानता हूँ कि हत्या की प्रेरणा मुझसे मिली है, मैंने अभिषेक को इस हत्या में साथ दिया है, लेकिन ये बात किसी भी अदालत में साबित नहीं की जा सकती क्योंकि इस बात का ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। शास्त्री जी का खून हुआ है, खून, और वो खून किया है इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती मल्लिका थापर के बेटे अभिषेक। I am sorry, ससुर जी। अगर मैं तृष्णा को आपके यहाँ नहीं छोड़ता तो मेरी तरक्की में रुकावट आती और अपूर्वा को अपनी तरक्की में किसी भी किस्म की रुकावट पसंद नहीं करता। हेलो, को मैडम ने सीना के रिकॉर्डिंग के साथ अपने यहाँ बुलाया था, तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या मुझे ऐसा कोई फोन नहीं आया? जरा अपना सेल फोन भी चेक करो क्योंकि फोन मैंने ही किया था। और हाँ, अपना फोन स्विच ऑन कर लेना, तुरंत मैडम के यहाँ पहुंचो। ठीक है, देखता हूँ। यस ठीक है, एक काम करो, वर्मा जी से फाइल ले लो और उनको चेक दे दो। ओके बाय। अरे अपूर्व, तुम यहां अचानक इस वक्त? वो मैं अपना मोबाइल यहाँ शायद भूल गया हूँ इसलिए। कहीं यही तो नहीं तुम्हारा मोबाइल? हाँ, थैंक यू वेरी। नहीं बोलो, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा मानना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अबरू, अगर तुम्हारा ये मोबाइल घर पर न भूल गए होते तो जिंदगी भर अपने उसूलों पर चलने वाला ये दीपक वर्मा खुद ही अपने उसूलों को तोड़ देता। जिंदगी भर दूसरों को अन्याय के विरुद्ध लड़ाई की सीख देने वाला ये दीपक वर्मा
अपनी ही जंग हार जाता। नहीं समझे? समझाता हूं मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाता हूं। अपूर्व, तुम्हारे इस मोबाइल ने मेरी हारी हुई बाजी को जीतने का और एक मौका दिया है मुझे। प्रोफेसर सिन्हा की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली और अब इसी सबूत को मैं कल अदालत में पेश करके ये साबित कर दूंगा कि शास्त्री जी की मौत महज एक हादसा नहीं थी, वो एक रची रचाई साजिश थी, हत्या थी। चलो फिर मिलते हैं कल अदालत में दामाद जी। ससुर जी, जिस किसी ने भी आपका नाम रखा है वो बहुत सोच समझ के रखा है और बहुत सही रखा है, दीपक। लेकिन ससुर जी, आपने वो कहावत नहीं सुनी है, दिया तले अंधेरा। आपका भी कुछ वैसा ही, यहां आपको खुद को प्रकाशित हो। चाहे इस उजाले के नीचे आपकी बेटी के जीवन में अंधेरा हो जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि आपका आपकी बेटी के लिए प्यार खत्म हो गया है, वरना आप बस सबूर। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करनी कि मेरी बेटी मेरा स्वमान है, मेरा स्वाभिमान है, मेरी शर्मिंदगी नहीं। पर एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि न्याय के विरुद्ध मेरी इस लड़ाई में मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही साथ देगी। ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी सजा आपकी बेटी को मिलेगी। अब वो जिंदगी भर यहां आपके घर में रहेगी, अपने मायके में रहेगी। वो तो ठीक है अबू, क्योंकि कल खुद मैं मेरी बेटी को ये बता दूंगा कि हकीकत क्या है। और अब मैं ही ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम जैसे गिरे हुए इंसान के साथ जिंदगी भर रहे। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। और अब मैं ही ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम जैसे गिरे हुए इंसान के साथ जिंदगी भर रहे। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस वक्त यहां से चले जाओ और कल का इंतजार करो। वाह ससुर जी वाह, बहुत ही महान इंसान है आप। एक बात तो माननी पड़ेगी, आप अपने सिद्धांतों और उसूलों के लिए कुछ भी कर सकते। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको घमंड है इस बात का कि लोग आपको आपके उसूलों की वजह से जानते हैं। ससुर जी, पता है आपको नशा हो गया लोगों के मुंह से अपनी वाह वाह सुनने का, अपनी तारीफ सुनने का। आप लोगों को नीचा दिखाना चाहते और अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हो, चाहे इन सब की कीमत आपके घर वालों को ही क्यों ना चुकानी पड़े। बस सब्र। ऊंची आवाज करके आप सच्चाई का गला नहीं घोट सकते ससुर जी। पता है आपकी कमजोरी क्या है? आप मैं जी, मैं उसूलों वाला, मैं आदर्शवादी, मैं राजा हरिश्चंद्र। अपने हेम को पालने का शौक है। एक बेटी के बाप की तरह सोचिए तो आप ये बोलते भी नहीं, आप डर जाते कि मेरी बेटी जिंदगी भर यहां कैसी रहे। ससुर जी, उन बापों से जाकर पूछिए जिनकी बेटियां मायके में बैठी जीते जी मर जाते हैं जब देखते हैं ना अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए। लेकिन नहीं, आपको तो अपने उसूल बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत महान है आप। आपने अपनी खुद की बेटी का कन्यादान शास्त्री जी से करवाया, महानता की बात है। आपकी तो पूजा करनी चाहिए, आपके मंदिर बनने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये महान इंसान है। इसे ही महान नहीं बनाए, अपने परिवार वाले, अपने घर वालों की खुशियां रौंद कर ये इंसान महान बनाए। देखिए ससुर जी, एक बार फिर से सोच लीजिए। कि आपको किसे चुनना, तृष्णा की खुशियों को या आपके अहम। मैं
आपके फैसले का इंतजार करूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतनी बड़ी गलती की कैसे तुमने? और उस गलती का नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम? सॉरी मैम, एक्चुअली ये सब कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला कि बाजी तो मेरे हाथ में ही थी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि सिन्हा की वो रिकॉर्डिंग दीपक के पास है, उसके मोबाइल में, और हम चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चले जाओ यहां से, ताकि हम कुछ सोच सकें। तुमने बहुत बुरा किया दीपक, लेकिन मल्लिका थापर हार मानने वालों में से नहीं है। जो काम हम नहीं करना चाहते थे ना, तुमने हमें मजबूर कर दिया है वही काम करने के लिए। अब हम वही काम करेंगे। हेलो, पैसा और फोटो भेज रहे हैं, कल वो कोर्ट में नहीं पहुंचना चाहिए, अंडरस्टैंड? जी मैडम, आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। सुकन्या हमारी बेटियां। मेरे हाथ में सबूत तो लग गया, फिर भी मुझे जितना खुश होना चाहिए उतना खुश नहीं हूं मैं। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं? क्यों मेरा दिल बैठा बैठा सा लग रहा है? ससुर जी, चाहे इस उजाले के नीचे आपकी बेटी के जीवन में अंधेरा हो जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि आपका आपकी बेटी के लिए प्यार खत्म हो गया। ठीक, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी सजा आपकी बेटी को मिलेगी। अब वो जिंदगी भर यहां आपके घर में रहेगी, अपने मायके में। ससुर जी, पता है आपको नशा हो गया लोगों के मुंह से अपनी वाह वाह सुनने का, अपनी तारीफ सुनने का। आप लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। पता है आपकी कमजोरी क्या है? आप मैं जीत, मैं उसूलों वाला, मैं आदर्शवादी, मैं राजा हरिश्चंद्र। अपने अहम को पालने का शौक है। ससुर जी, उन बापों से जाकर पूछिए जिनकी बेटियां मायके में बैठी हैं। जीते जी मर जाते हैं जब देखते हैं ना अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए। लेकिन नहीं, आपको तो अपने उसूल बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत महान है आप। आपने अपनी खुद की बेटी का कन्यादान शास्त्री जी से कर, महानता की बात है। आपकी तो पूजा करनी चाहिए, आपके मंदिर बनने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये महान इंसान है। ऐसे ही महान नहीं बना है, अपने परिवार वाले, अपने घर वालों की खुशियां रौंद कर ये इंसान महान है। हेलो मल्लिका थापर, तुम जीत गई और ये बाप हार गया। मैं कल अदालत में गवाही देने नहीं जाऊंगा। अच्छा हुआ दीपक कि तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया।
अब कल से शास्त्री जी की जगह हमारे कॉलेज के नए प्रिंसिपल तुम होगे। सके तो मुझे माफ कर देना शास्त्री जी, माफ कर देना। दीपक, हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमने तुम्हें अपने सामने टूटते हुए देखा, मजबूर देखा। अब तुम्हें पता चलेगा कि आदर्श, उसूल सब किताबी बातें हैं और कुछ नहीं। अच्छा हुआ दीपक ने जाने से मना कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गॉड, नॉट रीचेबल है, क्या करें? मैसेज कर देते हैं। डिलीवरी रिपोर्ट, इसका मतलब फोन लग जाएगा। गुड, हेलो। हाँ सुनो, कल का प्लान कैंसिल है, दीपक वर्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके मैडम। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। दादा अब क्या करें? भोलेनाथ सबका भला करे और सबसे पहले हमारा भला करे। अब जो करना है वो हम बताएंगे, यानी के विशंबर मामा। बड़ी गलती हुई मुझसे, कल मेरा ससुर कोर्ट में जाकर गवाही देगा, वो भी सबूत के साथ। और अगर अभिषेक को सजा हुई तो मल्लिका मैम मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मल्लिका मैम,
अपूर्व, माना कि तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुमने वो सब कुछ किया जैसा कि हमने कहा था, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। लेकिन मैम, वो सिन्हा वाला सबूत? डोंट वरी, हम तुम्हारी तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हमें साम दाम दंड भेद किसी भी तरह जीतना आता है, और ये बाजी हम जीत चुके हैं। दीपक ने अपनी हार मान ली है, और कल कोर्ट में जीत हमारी होगी। सच में? लेकिन ये कैसे हुआ? आई मीन, वो कैसे माने? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतना जान लो कि एक बार अभिषेक इस केस से छूट जाए, तुम्हें तुम्हारी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। ओके? बेटा, जरा यहां आओ। क्या बात है बेटा, आज केस की आखिरी सुनवाई है ना, तो फिर तो इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ। दीपक, माँ हूं मैं तुम्हारी। 9 महीने तक कोख में रखा है, उसके बाद तुम इस दुनिया में आए हो, तो क्या मैं तुम्हारी उदासी को नहीं समझ सकती हूँ? क्या बात है बेटा, कहीं तुम इसलिए परेशान तो नहीं हो कि अभिषेक के केस के सिलसिले में अभी तक तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है, या फिर कोई और उलझन है? अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या।